नमस्कार। सो काउंसलिंग की प्रोसेस तो अभी स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन आप सबका प्यार है, आप सबका सहयोग है कि शायद हर रोज़ हमारे हॉटलाइन पर दिन में 50 के ऊपर फ़ोन ऑलरेडी आ रहे हैं, और जो हमारी कस्टमर लेने की जो कैपेसिटी है वो ख़त्म होने वाली है। मैं सभी को बोलता हूँ कि हम एक साल में 100 के ऊपर पेड काउंसलिंग क्लाइंट्स नहीं लेते हैं, क्योंकि हम उतने को ही सर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल काम है। उनमें से आधे से ज़्यादा स्लॉट्स ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। तो सबसे पहले आप सबका धन्यवाद जो मुझे इतना प्यार और सम्मान दे रहे हैं। अब एक बहुत ही स्पेसिफिक सवाल का जवाब दे देता हूँ, जो आपको सुनने में थोड़ा अजीब भी लगेगा, कि क्या MBBS में डायरेक्ट एडमिशन पॉसिबल है या कम नंबरों पर अच्छा कॉलेज मिलना पॉसिबल है। तो देखिए, इसको हमें तीन तरीके से देखना पड़ेगा। उसमें थोड़ी सी आपको मैं वो बताऊँगा जो इस MBBS इंडिया के इंडस्ट्री की गहराई है। सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट में क्या होता है कि लास्ट स्ट्रे मॉपअप के बाद भी सीटें बच जाती हैं, स्ट्रे मॉपअप राउंड के बाद भी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंडिया में ना कोई आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो सोचिए, एक अच्छा बच्चा है जिसका सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी नंबर आया हुआ है, उसका अपने स्टेट गवर्नमेंट में भी नंबर आया हुआ है, और उससे फिर तीसरा प्राइवेट भी भर रखा है। अभी प्राइवेट को छोड़ देते हैं, तो ये बच्चा ऐसा है जिसने यूपी का समझ लीजिए बच्चा है, या हरियाणा का बच्चा है, या राजस्थान का बच्चा है, MCC काउंसलिंग में फॉर्म भरा, रायसर काउंसलिंग में फॉर्म भरा, राउंड वन हर जगह फ्री एग्जिट होता है, राउंड टू आया, ऑल इंडिया कोटे से या सेंट्रल से उसने सीट पकड़ ली एम्स की, और राउंड थ्री में भी वो एलिजिबल चल रहा है, और ये आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो राजस्थान में अगर तुमने राउंड टू की सीट ले भी ली है, अभी तक आपका अकाउंट एक्टिव चल रहा है सेंट्रल काउंसलिंग के लिए MCC में फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। स्टेट कोटा की सीट तो चलो वापस ट्रांसफ़र हो गई है, और ये सबसे बड़ी कन्फ्यूजन होती है। अब चूँकि आपका अकाउंट वहाँ चल रहा है, आप काउंसलिंग का फॉर्म भी भर देते हो, वो आपको सीट अलोकेट कर देते हैं, उसके बाद पता चलता है आप तो लेने गए ही नहीं, उस वजह से वो सीट ब्लॉक हो जाती है। और बिल्कुल लास्ट में जब सब कुछ एडमिशन ख़त्म होने वाले होते हैं, देन दे कहते हैं ना कि वो एक जब वो करते हैं रिकाउंसिलेशन, तो पता चलता है कि अरे एम्स जम्मू में तो अभी 4 सीटें खाली पड़ी, कोई लेने वाला ही नहीं है, वो बच्चे ने तो कहीं और एडमिशन ले लिया फाइनली जाके। तो ये सब चीज़ें हैं। गवर्नमेंट ने बहुत रूल बनाया है कि आपको जाके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, लेकिन लोगों ने भी दो दो कॉपी उसके बनवा रखी होती हैं। कुछ ना कुछ जुगाड़ करके लोग दो दो सीटें लेके बैठ जाते हैं, और उसी की वजह से वो लास्ट तक जाता है एज फार एज सरकारी सीट इज कंसर्न्ड। अब आते हैं प्राइवेट पे। देखिए, प्राइवेट में दो तरीके से टर्न अराउंड पॉसिबल है। एक, काफ़ी डीम्ड यूनिवर्सिटीज में ना NRI सीट्स होती हैं, तो ये डीम्ड यूनिवर्सिटी ने NRI सीट मांग कर ली है। अब सोचिए, अगर टोटल मिला के डीम्ड में 8,000 सीटें हैं, तो रफली स्पीकिंग 600 के करीब तो NRI सीट्स हैं। अब हर साल कहते हैं NRI पढ़ने आएंगे, शायद नहीं आते हैं। तो मॉपअप राउंड के बाद अलाउड होता है कि आप NRI को कन्वर्ट कर लेते हो नॉर्मल सीट में, तो वो उस समय तक आते आते ये कट ऑफ का सिस्टम ख़त्म हो चुका होता है। तो फिर आपको आप देखोगे, जब लास्ट ईयर कट ऑफ देखोगे, तो अचानक से आप देखोगे कुछ बच्चे ऐसे जिन्हें बहुत कम नंबर पर सीट मिली हुई है, तो इसलिए मिली हुई है कि उन्होंने लास्ट तक इंतज़ार किया अच्छे कॉलेज का, और NRI सीट जब मैरिजों में कन्वर्ट हुई तो वो जाके उन्होंने ले ली। और समटाइम इसी चीज़ में प्री बुकिंग भी हो जाती है, कि जब आप ओनर से कह देते हैं कि आप हमें ये फलाना NRI सीट दे दीजिएगा ऑन प्रायोरिटी। अब इसके अलावा जो सबसे बड़ा और कॉमन पार्टनर में वर्ड झोल है, क्योंकि मैं आप सबको ही बताता हूँ कि सीट सारी की सारी काउंसलिंग से मिलती है, करेक्ट, ईच एंड एवरी सीट काउंसलिंग से मिलती है, किसी प्राइवेट ओनरशिप में, किसी सरकारी फ़ोन करके, किसी का मेरे पास फ़ोन आया, सर मैं फलाना स्टेट के CM को पर्सनली जानता हूँ, क्या उनके फ़ोन से मुझे सीट मिलेगी? मैंने कहा बिल्कुल नहीं मिलेगी। किसी प्राइवेट कॉलेज के ओनर के हाथ में अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी को भी सीट दे दे वैसे, तो फिर भी एक टर्न अराउंड अवेलेबल है जो मैं समझाता हूँ जब लोग मेरे पास आके बैठते हैं। आज मैं वीडियो में बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं, सबको समझाने का समय नहीं है, और थोड़ा सा ये बाउंड्रीज पे है, लेकिन प्योर लीगल मैटर है, और कुछ अच्छे कंसल्टेंट ये काम करवाते भी हैं, और आपको पता चल जाएगा कि आप अच्छे कंसल्टेंट से टच में हो या नहीं हो। तो वो चीज़ क्या है, आपके नंबर है समझ लीजिए 250, आपको कॉलेज वो चाहिए जिसकी लास्ट कट ऑफ 400 पे जाती है। आप अभी जाके कॉलेज के किसी सीनियर अथॉरिटी से बात कर लेते हैं, जो कि डिसीजन मेकर है, कि मुझे तो आपकी सीट चाहिए ही चाहिए। अब वो करते क्या है समझिए, और अच्छा कंसल्टेंट आपको वो राहत में सुनिश्चित करेगा, फ्रॉड के चक्कर में मत पड़ जाना। तो एक 650 नंबर का स्टूडेंट होता है इंडिया में, जिसके पास पेरेंट्स के पास प्राइवेट में पढ़ाने के पैसे नहीं है, उसको बकायदा एडमिशन दिलाया जाता है,
वो फीस भी पे करता है, और लास्ट राउंड तक आने के बाद स्ट्रे मॉपअप ख़त्म होने के बाद जब कॉलेज स्टार्ट करने में 10 दिन बचते हैं, 5 दिन बचते हैं, तो वो बच्चा विड्रॉ कर लेता है। अब स्टेट गवर्नमेंट्स अलाउ करती हैं उस प्राइवेट कॉलेज को, वो कहता है जी मेरी सीट तो खाली जा रही है, वो कहता है फिर ठीक है जिस मर्जी को बुला के आप सीट दे दो, भाई बशर्ते वो नीट क्वालिफाइड था। तो इसकी वजह से जो लोग बुकिंग करते हैं, तो सोचो आप एक हो जिसको वो सीट चाहिए, तो आपके लिए एक और टीम है जो ढूंढती है उस बच्चे को जो 500 नंबर वाला है, जिसके नाम पे उस कॉलेज की सीट को ब्लॉक कराया जाएगा, वो भी लास्ट तक। और जब लास्ट में स्ट्रे मॉपअप के बाद, क्योंकि स्ट्रे मॉपअप से पहले उसने सीट छोड़ दी तो फिर तो वो मेरिट में आ जाएगी, तो स्ट्रे मॉपअप के बाद वो छोड़ता है, तो आपको तब तक पेशेंस रखनी पड़ती है। और ये जो सिस्टम है इसमें आप एक फ़ी पे करते हैं, प्लस उस बच्चे को बहुत पैसे देते हैं, प्लस कॉलेज के लालाजी पैसे लेते हैं, प्लस कंसल्टेंट पैसा लेता है, तो आप ये मान के चलिए कि जो कॉलेज की नॉर्मल फीस है उसके ऊपर कम से कम आपके 25 से 35 लाख रुपए जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द स्टैंडर्ड एंड द क्वालिटी ऑफ द कॉलेज। तो यही प्रोसेस कोई अगर आपको 4 लाख में करा रहा है तो समझो वो कराएगा ही नहीं, वहाँ पर 4 लाख लेके बैठ जाएगा। जब सब कुछ ट्रेम वापस ख़त्म हो जाएगा, आप उसको फ़ोन करोगे वो आपका फ़ोन नहीं उठाएगा, क्योंकि 4 महीने हो जाएंगे आप भी तंग आके छोड़ दोगे। लेकिन जो कंसल्टेंट आपसे 30 लाख रुपए मांग रहा है, शायद वो आपका काम जेन्युइनली कराएगा, क्योंकि इस काम का रेट 30 लाख रुपए है। सो कभी कभी लोगों से समझाता हूँ कि जब आप थोड़ा सा ऐसा काम कराने वाले हो, जब किसी का फ़ोन आता था सर मौलाना आजाद में सीट मिल रही है या नीट का पेपर हम दिलवा देंगे, तो मैंने कहा क्या रेट पैसा मांगा उसने, कहता 50,000। मैंने कहा 50 लाख मांग रहे तो फिर भी मान लेता, अगर 50,000 में मौलाना आजाद की सीट मिलने लग जाए तो लाइनें लग जाएंगी दिल्ली से लेकर अमृतसर तक। सिमिलरली ये 30 लाख वाला रूट अवेलेबल है, और मैंने आपको बता दिया ये रूट होता कैसे है। इस रूट की पहचान ही ये है कि जो भी आपका कंसल्टेंट है वो आपको कॉलेज के एक सीनियर अथॉरिटी के पास लेकर जाएगा, आपका नाम वगैरह लिखा जाएगा, कुछ आपसे एडवांस लिया जाएगा, क्योंकि आपके एवज में मैंने कहा ना उस बच्चे को सीट दी जाएगी जिसको सीट नहीं चाहिए, राइट, और लास्ट में उसने वो सीट ड्रॉप करनी है, तो आपसे काफ़ी हद तक एडवांस लिया जाएगा, चेक्स लिए जाएंगे कि भाई आप बैकआउट मत कर जाना, लास्ट में पता चले आपके चक्कर में हमने 550 वाला बच्चा पकड़ा, उसको उन्होंने 10 लाख रुपए दिए, अब समझ रहे हो सब कुछ सिस्टम करा, और लास्ट में पता चला आप ही ने सीट नहीं ली। तो पक्का काम कराने के लिए आपको काफ़ी एडवांस देना पड़ता है, और आप तकरीबन आप ओनर से डायरेक्टली बात करते हो, मोटा मोटी वो आपसे चेक के माध्यम से पूरे कोर्स की फीस लेता है, तो उतनी आप में हिम्मत होनी चाहिए तभी वो आपके लिए ये सिस्टम करता है। तो ये एक तरीका है डायरेक्ट मतलब कम नंबर पर अच्छा एडमिशन लेने का, लेकिन उसके लिए 100% आपको जो सीट का लेटर मिलेगा वो ऑफिशियल लेटर जो मैं कह रहा हूँ वो मिलेगा स्ट्रे मॉपअप राउंड के भी बाद इन प्राइवेट कॉलेजेस जहाँ पर NRI सीट नहीं है। कई जगह NRI कन्वर्ट होती है तब आपको मिल जाता है कम नंबरों पे। और तीसरा जो मैंने कहा कि सरकारी में अगर आप लास्ट तक चलते हैं तो खासकर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, कुछ लोग स्टेट की सीट लास्ट में छोड़ देते हैं क्योंकि वो सेंट्रल में चले जाते हैं, तो तब आपको लगता है कि 30-40 नंबर अचानक से नीचे में 1-2 सीटें मिल गई, क्योंकि वो बच्चे ने मल्टीपल सीटें गवर्नमेंट कॉलेज में ले रखी थी। और सरकारें हमारे यहाँ ना इतना कोऑर्डिनेशन नहीं है कि कोई बच्चा अगर राउंड टू में AMC सीट ले चुका है तो उसको राउंड टू स्टेट कोटा में नहीं बैठने देंगे, इस तरह का कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो ये सब रास्ते हैं MBBS एडमिशन के लिए। बेस्ट विशेस, और कोई भी आप हमारी अगर पेड काउंसलिंग लेना चाहते हैं यू कैन कॉन्टैक्ट अवर हेल्पलाइन नंबर 9643362320 फॉर फ्री कंसल्टेशन। यू कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियोस, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, लाइक कर लीजिए, आपको बेल आइकन दबा दीजिएगा, आपको सारे नोटिफिकेशन अगले 4 महीने तक मैं देता रहूँगा। लेकिन मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये मेरी रोज़गार भी है, तो आप फ़ोन उठा के ये मत सोचिएगा कि आप मुझसे फ्री कंसल्टेशन ले पाएंगे, कुछ लोगों को बुरा भी लग जाता है, तो वो चार्जेबल है। 15 मिनट की बात करने के लिए भी हमने बहुत बेसिक 2000 रुपीज़ रखा हुआ है। आप एक पूरी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं अबाउट 45 मिनट्स की 5000 रुपये है। आप हमसे काम कराना चाहते हैं उसके अलग अलग पैकेज हैं। लेकिन आप जो भी मैं फ्री इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ मैं वीडियोस में दे देता हूँ ताकि सब लोग सुन लें। लेकिन देखिए हर एक के पास 24 घंटे होते हैं दिन में, मेरे पास भी 24 घंटे ही हैं जिसमें काम करने के लिए 10 घंटे होते हैं। उन 10 घंटों में मैं अगर 1 घंटा आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ तो बाकी 9 घंटे में मुझे वो काम करना होता है जहाँ से मैं पैसा कमा रहा हूँ, राइट। तो आप लोग जिनको मैं फ्री कंसल्टेशन नहीं दे पाता बुरा मत मानिएगा, और आप समझिए कि मेरा काम है ये, मतलब मुझे कोई गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही है आप लोगों को फ्री कंसल्टेशन देने के लिए, राइट। तो आप ही लोगों में से जो मेरे पेड क्लाइंट होते हैं उन्हीं से भी मेरा बिजनेस चलता है, तो अगर मैं सभी को फ्री कंसल्टेशन दूंगा तो मैं पूरा दिन उसी में बिजी रहूंगा, तो फिर मैं अपने पेड क्लाइंट से काम कैसे करूंगा। तो आशा है कि आप भी इस चीज़ को समझेंगे,
और जो भी फ्री इंफॉर्मेशन है वो आप वीडियोस में सुन सकते हैं, वेबसाइट मेरी जो है www.gkvs.in उसको चेक कर सकते हैं, और बात करना चाहें तो आप फी देने की रखिए थोड़ी सी, आप समझिए बात को कि आई एम अ डॉक्टर ऑफ MBBS इंडिया काउंसलिंग, तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप पहले पैसे देते हैं फिर वो आपका चेकअप करता है, ठीक है, धन्यवाद।